हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आजकल मार्केट में TWS ईयरफोन बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, जिसको कुछ लोग बर्ड्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि ईयरबड्स में से और एक नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन में से क्या खरीदना चाहिए, तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। अगर आपका बजट 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास है और अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, भीड़ भाड़ भरी प्लेसेस पे जाते हैं, तो दोस्तों आपको एक नेकबैंड लेना चाहिए, क्योंकि जो ईयरबड्स होती हैं उनके गिर के खोने का डर रहता है। लेकिन जो नेकबैंड होता है, अगर वो आपके कान में से निकल भी जाता है तो भी वो आपके नेक पे हैंग होता रहता है। प्लस अगर आपको पब्लिक प्लेसेस पे कॉल्स वगैरह अटेंड करनी होती है या आप फ्रीक्वेंटली कॉल्स पे बात करते हैं अपनी ईयरफोन के थ्रू, तो आपको एक नेकबैंड ही खरीदनी चाहिए। क्योंकि जो बजट वाले ईयरबड्स या TWS ईयरफोन्स होती हैं, उनमें आपको इतनी अच्छी माइक क्वालिटी देखने को नहीं मिलती, और क्योंकि वो आपके कानों में लगी रहती है तो आपका जो मुंह होता है वहाँ से आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती, जिससे कि आपकी कॉल क्वालिटी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। लेकिन जो नेकबैंड होता है उसमें माइक आपके कॉलर पे हैंग होता है और आपके मुंह के पास रहता है, तो आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिलता है। और दोस्तों जो नेकबैंड होता है उसके अंदर आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपका बजट कम है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको एक नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन खरीदनी चाहिए। तो अगर आप अब सोच रहे हैं कि कौन सी नेकबैंड ईयरफोन खरीदें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट नेकबैंड ईयरफोन्स बताने वाला हूं, जो कि आती हैं अराउंड 1000 रुपये के आसपास, 100-200 रुपये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 5 पे है नॉइस की नर्व प्रो नेकबैंड ईयरफोन। इसमें आपको अराउंड 35 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है, यानी कि अगर आप एक बार इसको फुल चार्ज कर लेंगे तो अराउंड 35 आवर्स तक ये आपको बैकअप प्रोवाइड करेगी। इसमें आपको ENC मिल जाता है, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, जिसे कि जब आप कॉल्स वगैरह करेंगे तो जो बाहर का नॉइज़ है वो कॉल पे नहीं जाएगा। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है और इसमें आपको मिलती है इंस्टा चार्ज टेक्नोलॉजी। अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करेंगे तो ये 10 मिनट के चार्ज पे अराउंड 10 घंटे का बैकअप आपको प्रोवाइड करेगी। चार्जिंग के लिए इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और इसमें आपको मिलता है डुअल पेयरिंग फीचर, जिससे कि एक बार में आप इसको 2 डिवाइसेस से कनेक्ट करके यूज़ कर पाएंगे। इसमें आपको IPX5 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है, तो हल्के फुल्के स्वेट और स्प्लैश को ये झेल लेगा। और इसके अंदर आपको एक बैलेंस साउंड देखने को मिलती है, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा बेस मिलती है ना ही बहुत ज़्यादा ट्रेबल मिलती है। तो अगर आपको बैलेंस साउंड वाली ईयरफोन चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस पर नॉइज़ आपको देती है 1 साल की कंप्लीट वारंटी। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 1100 रुपये के आसपास। ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है ये वीडियो बनाते समय के प्राइस हैं। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इन पर कोई सेल या ऑफर चल गया हो, या फिर इनकी जो प्राइस है वो कम या ज़्यादा हो गई हो। तो इसीलिए जितने भी नेकबैंड आपको दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप इनकी करंट प्राइसेस को चेक कर सकते हैं। नंबर 4 पे है मीवी कॉलर 2A नेकबैंड ईयरफोन। इसमें आपको थोड़ी सी हैवी बेस देखने को मिल जाती है, या फिर बोलें तो इसमें भी आपको लगभग बैलेंस साउंड ही देखने को मिलती है, जिसमें ट्रेबल और बेस बिल्कुल बैलेंस आती है। फुल चार्ज होने में ये अराउंड 40 मिनट्स लेता है और चार्जिंग के लिए इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। 10 मिनट चार्ज करके आप इसको अराउंड 10 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं और इसमें ब्लूटूथ 5 मिल जाता है। इसमें आपको IPX7 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है और इसमें आपको मिलते हैं 10mm के ड्राइवर। मीवी आपको देता है इसके ऊपर 1 साल की वारंटी। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 900 रुपये के आसपास। नंबर 3 पे है बोट रॉकर्स 235 प्रो। इसमें आपको काफ़ी हैवी बेस देखने को मिल जाती है और काफ़ी अच्छी ट्रेबल मिल जाती है, और फुल चार्ज पे आपको देता है अराउंड 20 घंटे का बैकअप। इसमें आपको ASAP चार्ज टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे कि 10 घंटे का बैकअप इसमें मिलेगा 10 मिनट की चार्जिंग पे। इसमें आपको ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे कि क्या होता है जब आप कॉलिंग वगैरह करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर वॉइस डिलीवरी इसमें होगी। इसमें आपको वाइब्रेशन कॉल अलर्ट मिल जाएगा, यानी कि जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे और आपके फ़ोन पे कॉल आ रहा होगा तो जो नेकबैंड है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके फ़ोन पे कॉल आ रही है। इसमें आपको 10mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और इसमें भी आपको डुअल पेयरिंग का फीचर मिल जाता है। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है और इसमें आपको मिलती है IPX5 वाटर रेजिस्टेंस। इसके बाद बोट आपको देता है 1 साल की वारंटी। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 1300 रुपये के आसपास। दोस्तों नंबर 2 पे है नोकिया का T2000 नेकबैंड ईयरफोन। इसमें आपको फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि गूगल की तरफ से आती है, और इसमें आपको मिलते हैं 11mm के ड्राइवर्स। इसमें आपको क्वालकॉम एपटेक्स HD मिल जाता है और इसमें आपको मिलती है 24-bit वायरलेस HD ऑडियो। कॉलिंग के लिए इसमें आपको डुअल माइक्रोफोन मिल जाते हैं और इसमें आपको मिलता है 11mm का ड्राइवर।
इसमें आपको IPX4 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है और 10 मिनट की चार्जिंग पे ये आपको अराउंड 9 घंटे का बैकअप प्रोवाइड करती है। फुल चार्ज के बाद ये आपको टोटल अराउंड 14 आवर्स का बैकअप प्रोवाइड करेगी और इसमें आपको मिलती है ब्लूटूथ 5.1। इस पे नोकिया आपको देता है 1 साल की वारंटी। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 2000 रुपये के आसपास। इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, कभी कभार ये 1000 रुपये के आसपास भी बिकता हुआ मैंने देखा है फ्लिपकार्ट पे, तो आप एक बार इसकी प्राइस को जरूर चेक कर लेना। नंबर एक पे है डीजो वायरलेस एक्टिव नेकबैंड ईयरफोन, जो कि आती है रियलमी ब्रांड की तरफ से। इसमें आपको 11.2 mm के बेस बूस्टेड ड्राइवर मिल जाते हैं, तो अगर आपको बेस काफ़ी अच्छी लगती है और बेस वाली ईयरफोन चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको फुल चार्ज पे अराउंड 23 आवर्स का प्लेबैक बैकअप मिल जाएगा और 10 मिनट की चार्ज करने पे ये आपको अराउंड 3 घंटे तक का बैकअप प्रोवाइड कर देंगी। ये ईयरफोन आती है स्वेट और स्प्लैश प्रूफ और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल जाती है। इसमें आपको मिलती है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, तो कॉलिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। और इसको यूज़ करने के लिए आप रियलमी का लिंक ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप इसके बाकी के फीचर्स को भी डिस्कवर कर पाएंगे। इसके ऊपर डीजो ब्रांड आपको देता है 1 साल की वारंटी। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 1800 रुपये के आसपास। इसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इसका भी प्राइस को आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो में जितने भी नेकबैंड आपको दिखाएं सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप इनको खरीद सकते हैं और इनकी प्राइसेस को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।